ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां। देखो तत्वार सूत्र किताबें आ रही और आ गई, ये आपकी ले लो, इसमें नोट्स रख रखे आपने, किसने बनाया? अच्छे बाकी सब बैठो। तत्वार सूत्र पेज नंबर 300 ट्रिपल सेंचुरी। पेज नंबर 300 निकाल लिया। दर्शन अधिक चार है और तीन अधिक भी चार है। दर्शन अधिक चार कौन कौन से? क्या समझ में ही पहली लाइन किताब है, पहली पंक्ति मैंने पढ़ी नहीं, क्या लिखा है? दर्शन अधिक चार है और तीन अधिक भी चार है, वहाँ इनका यथाक्रम से संबंध होता है। यथा जैसे दर्शन मोनी तीन प्रकार का है, चायत मोनी दो प्रकार का है, अकषाय वेदनी नौ प्रकार का है, और कषाय वेदनी समझ में आया ना, मतलब वो कह रहे हैं कि ये दर्शन आदि, तो दर्शन मोनी चायत मोनी अकषाय वेदनी कषाय वेदनी, और इनका तीन आदि माने तीन दो नौ और सोलह, इनसे संबंध करना क्रम क्रम से। सूत्र था ना, वो सूत्र के हिसाब से उसका संबंध कर लेना। दर्शन चारित्र मोहनी अकषाय कषाय वेदनी आख्यास त्रि द्वि नव षोड़श वेदा, तो वो यथाक्रम से लगा लेना। कल अपन ने किए ही इस सब की बात, दर्शन मोहनी के तीन, चायित मोहनी के दो, अकषाय के चार, नौ अकषाय के षोड़। उनमें से दर्शन मोहनी के तीन भेद ये है, पहला सम्यक, दूसरा मिथ्यात, तीसरा तदुभय, मतलब वह बंद की अपेक्षा एक होकर भी, एक होकर सत्कर्म की अपेक्षा तीन प्रकार का है। देखो कर्म बंद की अपेक्षा दर्शन मोनी एक ही है, क्योंकि बंद किसका होता है? बंद अकेला मिथ्यात का होता है, सम्यक मिथ्यात और सम्यक का बंद नहीं होता है, तो फिर उसकी सत्ता कहां से आती है? सत्ता की अपेक्षा तीन प्रकार का है दर्शन मोनी, बंद की अपेक्षा एक ही। जैसे बाजार से खरीदने की अपेक्षा अपन गेहूं ही खरीदते हैं, और सत्ता की अपेक्षा गेहूं तीन प्रकार का अपने घर में मिल जाएगा, गेहूं भी मिल जाएगा, आटा ही मिल जाएगा, रोटी ही मिल जाएगी, लेकिन अपन रोटी तो नहीं खरीदेंगे ना, खरीदते क्या रोटी? नहीं, हम रोटी तो नहीं खरीदते, डबल रोटी खरीदते हैं, परंतु जेनी अपन नहीं खरीदते ना, जेनी आनी बनती है कि ये शादी अनादि कोई हो, बनता केवल मिथ्यात्व है। सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति बनती ही नहीं है, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति के, तो सत्ता सत्ता जो है आती है, कैसे आती हो? पहली बार हो, दूसरी कितनी बार हो, मैंने सम्यक दृष्टि जीव जब भी सम्यक प्राप्त करेगा तो मिथ्यात् के तीन टुकड़े हो जाएंगे, मिथ्यात् तीन में हो जाएगा फिर, तो इसलिए वो तीन की सत्ता बन जाएगी। बाकी बांधा उसने मोनी है, लेकिन जब सम्यक प्रकट करता है तो मोनी मोनी रूप ही नहीं रहता, मोनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मोनी मतलब मोनी का मिथ्यात् के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात् अकेला मिथ्यात् रूप ना होकर मिथ्यात् के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् और सम्यक। समझ में ही नहीं, जैसे पत्थर पहाड़ होता है ना, पहाड़ में विस्फोट करते हैं तो पहाड़ बड़ा पहाड़, फिर छोटे छोटे टुकड़े, फिर चूड़ी, ऐसे अंतरंग में मिथ्यात्व नामक जो कर्म है, तो सम्यक दर्शन जब जीव को प्रकट होता है तो उस मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं, तो मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् और सम्यक, ऐसे तीन कर्म प्रकृति हो जाती है, तो सत्ता की अपेक्षा तीन हो गई, बाकी बंद किसका हुआ? अकेला मिथ्यात्व सम्यक, तो कर्म अलग अलग है दोनों, मिथ्यात् के उदय से मिथ्यात् होता है, सम्यक के उदय से क्या होगा?
सम्यक के उदय से, सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक में दोष लगेंगे, लेकिन सम्यक तो बना रहेगा क्योंकि दोष लगा रही ना वो, दोष उत्पन्न करती है, इसलिए कर्म प्रकृति है वो, इसलिए मोहनी का भेद है, दर्शन मोहनी का बहुत बारीक भेद है। जैसे चूड़ी है, चूड़ी में कोई ताकत नहीं, ज़्यादा रोक नहीं सकती वो, लेकिन चूड़ी भी चूड़ी तो है ना, दोष उत्पन्न होंगे ना, तो है तो वो कर्म प्रकृति मोहनी का ही भेद है, दर्शन मोहनी का ही भेद है, माने वो कोई सम्यक तो नहीं उत्पन्न कराती बल्कि सम्यक में दोष लगाती है, लेकिन वो ये जब रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो दोष ही उत्पन्न कर रही है सम्यक में, मतलब उसके साथ में सम्यक में दोष उत्पन्न हो रहा है, मैंने सम्यक कायम है वहाँ, वो सम्यक की सत्ता को बताती है, ये भी बताता है कि सम्यक दर्शन है और ये भी बताता है कि सम्यक में दोष लग रहा है, और सम्यक मिथ्यात्व का जब उदय है तो क्या है, जीव के न मिथ्यात्व रूप परिणाम है न सम्यक रूप परिणाम, उभय रूप परिणाम है ना, और मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व रूप परिणाम, तो ये सब सादी मिथ्या दृष्टि के ही तीन प्रकार की प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है, अनादि के तो एक मिथ्यात्व की सत्ता है, अनादि मिथ्या दृष्टि ने जिसने सम्यक प्राप्ति नहीं किया उसके मिथ्यात्व के टुकड़े ही नहीं हुए तीन, तो उसके तो एक की सत्ता है, लेकिन जिसने एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया तो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो गए, तो उसके तीन की सत्ता पाई जा सकती है, और वो ही सादी मिथ्या दृष्टि यदि बहुत काल मिथ्यात्व में रह जाए तो फिर तीन से कन्वर्ट होकर फिर दो में आ जाए, फिर दो फिर एक में ही बन जाए, फिर एक ही हो जाए, इधर से उल्ट सम्यक जो जैसे जैसे रहता है सम्यक जैसे जैसे एक के तीन हो गए, और तीन एक के तीन होने के बाद में भी वो तीन का कैसे क्षय करना है सोचता है, और जैसे ही वो मिथ्यात्व में आता है तो वापस से तीन एक रूप बनने लग जाती है, और वो कौन सी रूप, मिथ्यात्व, और जबकि सम्यक तो यदि रहता है तो ये फिर पहले तो एक के तीन करता है, फिर मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक मिथ्यात्व सम्यक, फिर सम्यक मिथ्यात्व का भी अभाव होकर सम्यक, फिर सम्यक को भी नष्ट करके छायक सम्यक दृष्टि बन जाता, वो इधर जाएगा वो उधर आएगा, क्या किधर जाएगा, वो मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक की तरफ जाएगा, कौन, सम्यक दृष्टि जीव, और मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक से सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व में आएगा, ऐसे रिवर्स ट्रांजिशन होता है उनका, समझ में आया ना, तो ये इसलिए तीन प्रकृति कही है ये दर्शन मोह की, इनमें से एक समय में एक का ही उदय होता है, और अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व का ही उदय है, सादी मिथ्या दृष्टि के इन तीन में से तीन की सत्ता हो गई होगी, तो तीन की जब सत्ता रह जाएगी उसके तो तीन में से जिसका उदय होगा उसे परिणाम खिलाएगी, लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि के भी तीन की सत्ता तब खिलाएगी जबकि वो कुछ समय पहले ही सम्यक प्रकट करके मिथ्यात्म में आया होगा, यदि वो भी बहुत काल तक मिथ्यात्म में ले जाए तो उसकी भी वापस तीन की दो और दो की फिर क्या हो जाती है, एक ही हो जाती है, तो ये जो है मिथ्यात्व दर्शन मोनी बंद की अपेक्षा तो एक ही है, लेकिन उदय और सत्ता की अपेक्षा तीन प्रकार का है, जाने ही वो मिथ्यात्व में आ गया, प्रकृति पड़ी है, कर्म प्रकृतियां हैं, इन जीव के परिणाम मिथ्यात्व रूप हो गए, तो जीव के परिणाम मिथ्यात्व रूप हो गए तो उदय मिथ्यात्व का आ रहा है, तीन की सत्ता है तो वो सत्ता जो है मिथ्यात्व का मिथ्यात्व में आ गया तो वो तीन को वापस दो रूप कन्वर्ट करना चालू कर देगा जैसे ही मिथ्यात्व में आया, और फिर दो को एक रूप, मैंने वो कर्म प्रकृति की तरफ से बात कर रहे हैं, परिणाम तो उसके तीन की सत्ता होने पर भी वो सम्यक छूट के मिथ्यात्व में आ सकता है, नहीं छूट भी सकता है ना, अनेकों बार सम्यक होकर छूट सकता है, असंख्यात बार सम्यक प्राप्त करके फिर वापस से मिथ्यात्म में आ जाए, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो फिर छूटेगा ही नहीं, यह है कि एक बार हो गया तो फिर नियम से इतने काल बाद सम्यक की प्राप्ति करके मोक्ष जाएगा ही, मतलब इतने काल से ज़्यादा संसार में नहीं रुलेगा, वो काल फिक्स हो गया, लेकिन वो काल ही बहुत बड़ा है, और उतने काल में अनेक बार मिथ्यात्म में आके सम्यक में आ सकता है, टिकट हो गया उसकी गारंटी, और एक टाइम बाउंड फिक्स हो गया कि इतने टाइम में करेगा, अब उतने टाइम में फिर वो मिथ्यात्व में उसके मतलब उतना टाइम हो गया ये कि इसके अंदर अंदर करेगा, तो सम्यक नहीं छोड़े तो सात आठ भाव में ही चले जाए, सम्यक छोड़ दे मिथ्यात्व में आ जाए और उत्कृष्ट बने संसार में घूमे
तो जितनी उसकी मैक्सिमम टाइम बाउंड है उस लगभग उसमें एक अंतर्मुहूर्त कम तो घूमता रहे और एक अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक प्राप्त करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाए। समझ में आया? सब तीन है ये, अपने कितनी है? तीन है कि कौन सा फायदे वाला चाहिए बताओ, एक वाला, दो वाला, तीन वाला? दर्शन मोनी की एक जिसके सबसे ज्यादा फायदे में कि तीन जिसके वो फायदे में कि दो है जिसके फायदे में? सम्यक्त्व के समय कौन सा बंद है? सम्यक्ति के कोई नहीं बंद होता मिथ्यात्व का। नहीं तो फिर उसके आपने बोला सम्यक्त मिथ्यात्व का दुआ रहता है, मतलब सत्ता में तो बंद संपन्न होते जब बंद तो ही नहीं होता है। सम्यक्त मिथ्या दृष्टि के कोई बंद नहीं होता है, और जब दोष लगते तब भी कोई बंद नहीं होता। दर्शन मोनि का कोई बंद नहीं, दर्शन मोनि का बंद केवल मिथ्यात् गुणस्थान में होता है। चाहित मोनि का बंद होता है उन दोषों से, दर्शन मोनि का नहीं होता। क्यों, कौन सा वाला फायदे में? जिसके सत्ता एक की है वो फायदे में कि तीन की है वो फायदे में? एक की है मतलब वो नियम से क्या है, या तो अनादि मिथ्या दृष्टि है और शादी भी है तो बहुत लंबा काल हो गया तो अनादि मिथ्या दृष्टि हो सकता है ना एक तो, और तीन है मतलब क्या गारंटी से एक बार सम्मिलित किया उसने, जिसने एक बार सम्मिलित किया वो अच्छा है कि जिसकी कोई गारंटी नहीं अभी कि हुआ कि नहीं हुआ अच्छा है? है क्योंकि जिसके एक ही इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो अनादि मिथ्या दृष्टि हो, और जिसके तीन है वो तो निश्चित रूप से अनादि तो है ही नहीं, सम्यक दृष्टि है। एक है यदि तो सम्यक दृष्टि तो एक वाला रहता ही नहीं है, वो उस काल में तो मिथ्या दृष्टि है जिस काल में एक है। नहीं नहीं रहेगी तो सम्यक रहेगी तो तीन के साथ ही रहेगी। यदि पहला मिथ्यात् तो रहता ही रहता है, मतलब मिथ्यात् के टुकड़े हुए तो दो है, मिथ्यात् तो एक रहेगी ही रहेगी, तो मिनिमम है ही। वो केवल तभी नष्ट होती है जब वो क्षय होने आता होता है, जब उधर क्षय होने होता है तब वो एक अंतर्मुहूर्त काल के अंदर तीनों नष्ट होती है, तो वो एक अंतर्मुहूर्त काल वो आखिरी में आता है। वो तो जब मिथ्यात्व का नष्ट करके सम्यक मिथ्यात् वो सम्यक रूप करता है, फिर सम्यक मिथ्यात् का भी नष्ट करके सम्यक रूप, वो सम्यक का भी क्षय करके वो सम्यक तो क्षय सम्यक प्राप्त करता है। वो काल तो अंतर्मुहूर्त का आखिरी में है, और वो उस काल में भी एक की जो अपन ने सत्ता कही है तो वो एक अंतर्मुहूर्त के लिए है, तो वो वाला जीव अच्छा है वैसे उस अपेक्षा से। लेकिन वो काल अपन तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि मिथ्यात्व जो 99% केसेस में कि यदि मिथ्यात्व कई सत्ता रहती है ना, वो सम्यक की सत्ता तो एक की कब रहेगी, जब वो छाएक सम्यक कर रहा होगा तब उसके मिथ्या सम्यक मिथ्यात् की सत्ता नष्ट हो गई और एक सम्यक बची अकेली, और अंतर्मुहूर्त में छाएक सम्यक दृष्टि नियम से हो जाएगा। तो वो तो सेकंडों की खेल है, बाकी 99% जीव को एक की सत्ता है तो किसकी सत्ता है? ख्यात की है ना, तो इसलिए एक की सत्ता बहुत खतरनाक है, दो की तीन की सत्ता तो बहुत फायदेमंद है। कब सत्ता की अपेक्षा तीन भेद कहें इसके, यदि बंध की अपेक्षा कहो तो भेद ही एक होता है, यूं कह रहे हैं सत्ता की अपेक्षा तीन भेद है वो किसके लिए? जिसने एक बार सम्यक प्राप्त किया उसके लिए, बाकी जिसने सम्यक प्राप्ति ही नहीं किया उसके लिए तो सत्ता भी एक ही है। मैंने सत्ता के तीन भेद बन सकते हैं क्योंकि कोई चीज़ सम्यक दृष्टि भी सम्यक प्राप्त भी करते ना जीव, तो उनकी अपेक्षा तीन भेद भी बन सकते हैं। लेकिन बंध तो जले ही सम्यक प्राप्त भी कर लें, लेकिन बंध तो एक का ही होएगा, या तो होएगा ही नहीं होगा, या तो एक का बंध होगा या एक का भी नहीं होगा। बंधेगी तो मिथ्यात् बंधेगा, एक मिनट, बंधेगा तो या तो मिथ्यात् बंधेगा या बंधेगी नहीं, ये है दर्शन मुनि का। हाँ बोल, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्ञान होता है ना, क्या हिसाब, ये तो देखो, ये तो है ना, अपने ज्ञान करने की अपेक्षा आई है ना सारी बातें कि क्या होता है, प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस क्या। और आत्मानुभूति में देखो, जिस जीव का उपयोग कोई पूरा समय तो उसका स्वरूप में उपयोग रहता है क्या, क्या वो बाकी वो उपयोग यदि इसमें नहीं लगाएगा तो वो कायम लगाएगा विषय के शय में। प्रोसेस कमाई का काम तो 5 मिनट का ही होता है दुकान पे, लेकिन उसकी प्रोसेस कितनी बड़ी होती है। तो आत्मा का अनुभव
बैठ जाओ आत्मा का अनुभव करने से ही सब काम होएगा। लेकिन उसका जानकारी कि क्या है वो काय के लिए करना है, आत्मा का अनुभव करना क्यों है, अभी अपने को लगती नहीं उसकी आवश्यकता है, कोई आवश्यकता भी प्रिपरेशन, तो बस वो प्रिपरेशन की चीज़ें हैं सर। अपन ये सब पढ़ रहे हैं कि ये सब कि भाई करना क्या है, उसमें आत्मा का अनुभव ही करना है, तो सब चलो सब बैठो आग बीचो, ये आत्मा का अनुभव नहीं करने देते, इनके चुप करिए। तो अपने क्या करना है कि आत्मा का अनुभव ही करना है तो करो, लेकिन क्या आत्मा क्या होती है, उसका अनुभव की क्या विधि है, अनुभव किसका नाम है, अनुभव में क्या होता है, ये सारी बातों का बोध हुए बिना केवल ऊपरी ऊपरी बात रह जाएगी, वो बहुत सतही लेवल पे, क्या उसकी डेप्थ कुछ नहीं होगी। डेप्थ उसकी बनती है जिसका इसका पूरा श्रद्धान होता है, श्रद्धान वाला आदमी हिलता भी नहीं है, तीन लोग की प्रतिकूलता आ जाए, और जिसको इधर जिसको श्रद्धान नहीं होता है तो आत्मा की अनुभूति यहाँ बैठा है, अरे दुकान में आग लग गई तो बैठे भागे भागे यहाँ से, कहेगा आत्मा आत्मा का अनुभव ही, दुकान तो ठीक कर लूँ मैं। पाप के उदय से घबराता नहीं है कौन, श्रद्धालु जी, और बाकी तो कोई ये जो श्रद्धा है सब ऊपरी श्रद्धा है, मैंने अंतरंग में वस्तु स्वरूप की ऐसी रुचि नहीं, आत्मा की ऐसी रुचि नहीं, रुचि हो तो उसी का काम करे, वो तो सामने दिखता है ना सब, रुचि तो धंधे पानी हो सबकी नोट पानी की, और कहने को हम आत्मा की अनुभूति करना है, कहीं करना वरना कुछ नहीं है, बातें करनी है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसका क्या उस रूप जीवन होता है तद्रूप, और श्रद्धान होता है दृढ़, क्या करने को तो सात तत्व का ही श्रद्धान करना है, सात तत्व के नाम समझो, लेकिन ये सब सात तत्व को समझने के लिए उपयोगी है, सात तत्व का श्रद्धान क्यों करना है, आत्मसिद्धान के लिए उपयोगी है, देवशास गुरु का श्रद्धान क्यों करना, उसको भी सम्यक के लिए कोई जरूरी तो है नहीं के? है कि नहीं है? अरे देवशास गुरु का श्रद्धान सम्यक के लिए उपयोगी है कि नहीं है, है इसलिए अपन करते हैं उसको साक्षात, इसलिए चार लक्षण दिए उन्होंने, देवशास गुरु का श्रद्धान, तत्वार श्रद्धान, सुपर वेद विज्ञान, आत्मानुभव, तो उन्होंने क्रम दिया ये कि तू सीधे ये करेगा पहली लास्ट आत्मानुभव की उस पर कूदेगा तो ये तीन के बिना कैसे होएगा, वो हो भी सकता है लेकिन बहुत एक्सेप्शनल नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा, देवशास गुरु का ठिकाना नहीं है। कब निर्वाण हुआ होगा, कब निर्वाण तो किया ना उन्होंने, तत्व का श्रद्धान नहीं था उनके, गुरु थे ना उनके, मुनिराज थे ना गुरु, उनको शेर की पर्याय में उपदेश दिया, गुरु क्यों नहीं थे, गुरु थे ना उनके, नहीं पूरी कहानी नहीं मालूम, शेर की पर्याय में उनको धर्मोपदेश दिया गया, उसके पहले भी सम्यक प्राप्त किया था उन्होंने, विशाखाभूति, विशाखभूति की पर्याय में विशाखानंद, क्या विशाखानंदी नाम था ना, विशाख पहले ही, उसके पहले ही वो एक राजा के पुत्र थे वो, क्या विशाख नंदी नाम था उनका, हाँ उसके बाद नारायण बना और फिर वो शेर बना बाद में, तो नारायण तो बिना सम्यक और महाभावलिंगी के बनता ही नहीं कोई चीज, तो पहले ही हो चुका था उनको काम। पढ़े थे ना पहले तो मुनिराज थे वो, मनुष्य पर्याय पूर्व के संस्कार थे सब, वो तो इतना ही कहा कि तू नारायण में भोगों में तृप्त नहीं हुआ, मांस में तृप्त हो रहा है, जाति स्मरण ज्ञान हुआ सब बोध हो गया, पूर्व भोग की याद आ गई कि क्या था, तू मांस खा रहा है क्या हो गया तेरे, कहा तो तू नारायण के भोगों में तृप्त नहीं होता था और अब तू मांस में ही तृप्त हो रहा है, तेरे नारायण थे अरे वो ज़्यादा कोई, बस वो तो सारा पूरा उनकी तैयारी वाले जीव रहते थे, ये सब पहले एकदम मैंने इनकी भूमिका इतनी पक्की रहती थी, अपन तो इतने इसमें कहे कि हैं हाँ, और अपने तो कुछ नहीं है, दस दस बार सुना तो कुछ फर्क नहीं पड़े था, ऐसे कैसे हो जाते सर, इसलिए वो अपनी पात्रता बनाने के लिए है, और कोई बहुत किसी को बहुत मतलब फिर भी वो होगा तो क्रम से ही होगा, वो
टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में सिद्ध किया है कि ये क्रम आए बिना नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि देवशास गुरु का तो ठिकाना ही नहीं हो और बस तत्व की बातें करे, तत्व की बातें करे और सुपर आपापर की बातें करे और आगादी दूर करने का उद्यम नहीं करे और स्वरूप का अनुभव करे और सौ पर का ठिकाना ही नहीं हो, तो ऐसे जीव को कैसे होगी अनुभूति? अनुभूति का क्रम है ना। यद्यपि पढ़ना तो अपने को पीएचडी की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, लेकिन उसमें सिलेक्शन होना चाहिए ना। जाना तो अपने सबको आईआईटी जाना चाहिए, ये क्या काम आपकी कॉलेज में जा रहे हैं, आए हैं अहमदाबाद में पढ़ो सब बस, लेकिन वहाँ होना चाहिए ना सिलेक्शन। उसका क्रम है कि नहीं, उसके लिए प्राइमरी में जाना पड़ेगा कि नहीं, सेकेंडरी? ऐसे ऐसा है कि किसी को गड़ा हुआ धन मिल भी जाए, समझ लो किसी को कि भाई उसने एक काल में ऐसे होगा तो वो उसको तत्व का श्रद्धान और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो सही हो गई ना, चारों एक साथ हो जाए जिसको मैं तो कहता हूँ, लेकिन चुतो भी उसको उसी काल में प्रतीति होगी कि नहीं होगी उत्पन्न? मैंने ऐसा नहीं हो सकता कि उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ना हो और वो उसको सीधे जो है स्व का अनुभव हो जाए, ये संभव ही नहीं। उसको वो जिस काल में होगा भी, यदि सौर पर का ज्ञान भी होगा तो उसको उसी काल में देवशास गुरु का भी यथार्थ निर्णय वर्तेगा, हाँ, और तत्वार श्रद्धान भी होगा। मैंने ऐसा नहीं कि उसके सौर पर के अनुभव में, सौर पर के वेद विज्ञान में उसको तत्व का श्रद्धान नहीं होगा। तत्व की बात समझ में, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान होता, वो तो क्रम आएगा ही आएगा। मैंने वो भले ही वो ऑफिस इस तरह से नहीं हो कि कोई के विद्या अल्पकाल में हासिल हो जाती है, कोई के विद्या देर से हासिल होती है, लेकिन क्रम से ही होती है। क्या भले ही प्राइमरी की क्लास एक दिन में पढ़ लें पूरी, लेकिन जाएगा तो क्रम से ही ना, कि बिना क्रम से जाएगा? क्रम का उल्लंघन नहीं होता। क्रम का उल्लंघन कोई कितने ही विद्वान हो वो भी पढ़ेगा, जैसे कोई भी अपन प्रोसेस करते हैं तो वो उससे जाएगा। इतनी स्पीड होती है उनमें कि वो बड़ा भट ग्रास करके और वो जो काम साल 10 साल का था वो 10 मिनट में कर लें, लेकिन वो 10 मिनट में भी क्रम जाएगा ना। सम्यक थे तो पहले से सम्यक दर्शन तो क्या, इसलिए वो और कोई कोई 10 मिनट में हो जाए किसी को काम, स्वपर का श्रद्धान भी हो जाए, समझ लो पहले देवशास गुरु का उसको कुछ भान नहीं हो, कुछ नहीं हो, और अंतर मुहूर्त काल में सम्यक की प्राप्ति हो भी जाए अनादि को, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो वो पहले यथार्थ पहले देवशास गुरु का निर्णय करे, सात तत्व का बराबर ठीक ठाक करे, स्वपर का निर्णय करे, वेद विज्ञान करे, वो स्वरूप अनुभव में उद्यम रखे, तो वो कहाँ नहीं होगा। अपन लोक में क्या करते हैं, कोई आदमी अनपढ़ भी होता है वो उसका बिजनेस अच्छा चलता है, तो कई लोग जो अनपढ़ रहते हैं कहते हैं क्या करना, देखो बिना पढ़े लिखे देखो आप, तो अपन कहते हैं भैया एक आध दो है ठीक है, लेकिन ऐसे इसके जैसा तो बनने की हमको प्रेरणा देगा तो हमारे तो भूखे ही मर जाएंगे लाले, या हमें होगी ऐसी ताकत क्या, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कितने होते किसी की, कोई दारू पीने वाले करोड़पति है, क्यों? क्योंकि उनको दारू की टेस्ट इतनी अच्छी पता है कि दारू जब बनती है तो उनको बुलाते हैं, और दारू की कंपनी वाले उनको इस बात के पैसे देते हैं कि तुम बताओ, उनको टेस्ट में अच्छी लग रही है तो दारू पास होती है, तो वो केवल दारू पीने के पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए अपने को भी वही काम चालू करना है। तो वो राजमार्ग थे नहीं ऐसे, वो एक्सेप्शन अलग चीज़ होती है। क्या सोचने लग गए तुम तो सही में लगते हैं ऐसे। तो ये है, ये तीन प्रकार के कर्म सत्ता की अपेक्षा है, बंध की अपेक्षा कितना है एक ही। अब देखो इन तीनों में से तीनों की परिभाषा बताते हैं। इन तीनों में से जिसके उदय से यह जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख, देखो कितनी अच्छी मिथ्यात् के उदय में क्या जीव की अवस्था होती बता रहे हैं, कि जिसके उदय से तुम अपनी तो देख लो क्या कह रहे हैं, जिसके उदय से यह जीव, कोई बात नहीं, जिसके उदय से यह जीव सर्वज्ञ प्रणित मार्ग से विमुख, सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए गए मार्ग से विमुख, तत्वार्थों के श्रद्धान करने में निरुत्सुक, हिताहित का विचार करने में असमर्थ, ऐसा मिथ्या दृष्टि होता है, वो मिथ्यात् दर्शन मोहनी नाम का कर्म है। कौन सा है वह? वह मिथ्यात् दर्शन मोहनी। क्या होता है इसके उदय से? तीन काम होते हैं, देखो कितना अच्छा लिखा है।
सर्वज्ञ के भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग से विमुख होता है, वो नहीं सुन सकता क्या? सर्वज्ञ जिनेंद्र देव द्वारा जो बताया गया मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, उससे क्या है? वो विमुख है, उससे दूर है, और तत्वार्थों के श्रद्धान करने में निरुत्सुक है, उसको उत्सुकता ही नहीं जागृत होती, और दूसरे दंड बंद करा लो, लेकिन सात तत्व का श्रद्धान करना, उसका विश्वास, उसकी प्रतीति, उसकी रुचि, उसमें निरुत्सुक, उससे उत्सुकता नहीं। जैसे धन कमाने में उत्सुकता होती, धन कमाने में, पढ़ने में, लिखने में, नोट छापने में, अपना स्वागत सम्मान हो रहा हो तो उसमें, झाकीबाजी में, पंच इंद्रिय के विषय भोग में, क्या क्रिकेट का मैच देखने में, कैसी उत्सुकता है, चार में उड़ गए। ऐसा उनको कहो कि सुबह 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 अपने को एक जिनवाणी पढ़नी है, क्लास लगेगी सुबह 5 बजे, एक नहीं आए, क्योंकि उसकी उत्सुकता ही नहीं है। क्या कभी धर्म करने के लिए अपन सुबह 4 बजे जगे क्या? क्यों? कहीं बाहर गांव जाने के लिए, ट्रेन के लिए जरूर 4-5 बजे उठे हो, स्कूल की परीक्षा के लिए उठे हो, लेकिन आज तक कभी धर्म की परीक्षा के लिए उठे क्या 4 बजे? पढ़ने के लिए उठे 4 बजे? यदि मैं 4 बजे क्लास चालू कर दूँ तो कितने लोग आए? हो सकता है मैं खुद भी नहीं आऊँ, क्योंकि अपने को 4 बजे आने में रुचि कहाँ है। लेकिन 4 बजे यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो अपन 4 बजे चालू कर देंगे, फर्स्ट 10 आवर का तो मजा ही अलग है, भाई 4 बजे की नींद हो जाए तो क्या है? क्यों? उत्सुकता उन चीजों की है। क्या बिजनेस 4 बजे मिलता हो कोई क्लाइंट तो 4 बजे चले जाएगा? अपनी उत्सुकता और रुचि की बात है। तो ये तत्व के श्रद्धान करने में निरुत्सुक है, उत्साह नहीं है इसका, ऐसे करता है मरे मरे, जैसे जैसे पूजा कर रहा हो। 50 और बच्चे, बाप रे, 5 दिन से 10-10 पेज, 10 कितने हैं, पंक्ति भी 4-4 बनाने वाले में भी ध्यान नहीं रखा, 4-4 बना दी। अभी क्या है, हम लोग पूजा करते हैं ना, तो उसमें से कुछ लोग होते हैं, अब वो क्या है कि उनको आकुलता हो जाती है एकदम पूजा करने में, तो वो जैसे ही अपन ने एक पूजा करी, अब उनको अगली नहीं करना है, तो वो अपन ने अक्षत चढ़ाया तो फटाक से अक्षत को अर्घ में मिला देंगे, फटाक से, देखो चावल मिल, अब तो कोई पूजा हो ही सकती, तो मैं भी दुष्ट, इनके देख चावल निकल जाएंगे अलग, चावल नैवेद्य दीपक अलग निकाल दे, भले ही तूने मिला भी दिए, मिला देते ना लोग, मालूम आपको समझ में आ रही मेरी बात क्या है, तो मिला देते उसको, और फिर मिला के बोला देखो साहब अब आज की तो अपनी हो गई, अब कल, मैंने कहा नहीं आज ही होगी, मैंने कहा तुमको ऐसी क्यों मौत आती है, और मौत आती तो करो ही मत ना, जो काम में मौत आती है उसको क्यों करते, समझ के करो थोड़ा तो मजा आएगा इसमें, समझते कुछ है नहीं अपन, बस 2-3 अब पजूसन आ गए तो अब तो 5 करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान ने कही 5 करनी है, और फिर बार बार पेज देखे, 3 तो ही गई है, 2 और बची, निपटा देंगे 2, फिर 2 भी होती रहती तो इधर उधर देखते रहते आराम से, कौन आया स्पीड तो ठीक है और कौन आया गया, पूजा कोई बोल रहा है तू बोल, हम तो देखते रहेंगे इधर उधर, जैसे तैसे अर्घ चढ़ा रहता है, खड़ा रहता है थोड़ी देर, टाइम पास करता रहता है, मन ही लगता उसमें, समझ के करेगा तो मन लगेगा, समझ के नहीं करेगा तो क्या, उत्साह थोड़ी ना रहता है। कोई भी काम है जितने लोग बिना समझे कर रहे हैं ना, ये समझ लो कि अंतरंग रुचि किसी की उत्पन्न नहीं है, बिना समझे रुचि आएगी कहाँ से, आ सकती है क्या? कोई चीज़ समझे ही नहीं और पूजा बोल रहे हैं और हमको अर्थ ही नहीं मालूम है, बस आनंद ताड़म कच्चू ने जानम, भगवान तुम्हारा वाक्य प्रमाण, भगवान की जय, क्या जय, कुछ भी नहीं मालूम, जय जय। इसलिए उन्होंने 2 बातें कही, देखो एक तो तत्वार्थ के श्रद्धान में निरुत्सुक, सम्यक के भगवान जिनेंद्र के बताए गए मार्ग से विमुख, और तीसरी क्या है, हितहित का विचार करने में असमर्थ, समर्थ ही नहीं विचार, लोगों की बुद्धि नहीं ऐसी, एक तो क्या लोगों को इस तरह की सोच ही नहीं मिलती, ये वास्तव में अपन इस मामले में अपने महापुण्य का उदय है कि जो अपने इस जाति की सोच उत्पन्न होती है कि अपना भला क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स अपन सोच पाते हैं, इस जिंदगी के अंदर अपन ये विचार कर पाते हैं कि यार ये दुनिया के सब काम करने में भी आकुलता तो जो कितनी हो, सुख का मिल रहा है, सुख का कुछ और भी मार्ग होना चाहिए क्या, तो जिसमें दुनिया सुख मानती है अपन उससे अलग हटके भी कोई चीज़ खोजते हैं कि उसके अलावा भी कोई सुख का मार्ग है, भगवान की प्रतिमा अपने को बताती है कि अरे वास्तविक सुख का मार्ग है, सोच के अपने को विचार आता है, उनकी मुद्रा देख के विचार आता है,
कि ऐसा भी कोई मार्ग है। तो इसलिए ये चीज़ अपने को तो बचपन से मिली है, अपन जिस कुल में पैदा हुए और अपने को कुछ पाठशाला के निमित्त से और कुछ जो भी अपनी भली होनहार से अपने को वो सोच मिली है कम से कम कि अपन ये विचार करते हैं कोई भी काम करने में कि इससे अपना भला होगा कि बुरा होगा। लेकिन दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको जो बोल दो वो कर लेंगे। क्या मैंने उनको अपनी अकल लगानी नहीं, उनको कह दिया जाए कि पशुओं की बलि देने में ही धर्म होता है तो वो बलि दे आएंगे। क्या उनको अपनी अकल नहीं लगानी? बड़े बड़े भैंसे होते हैं, बड़े बड़े भैंसे आप देखो तो आपको दया आ जाए। अच्छा अपन किसी को अपने घर में दो दिन के लिए पाल लें तो अपने उससे प्रेम हो जाता है थोड़ा बहुत। कोई दो दिन के लिए पशु भी ले जाए अपने घर में, कुछ खाए पिए अच्छे से अपन उसको खिलाएं तो प्रेम होता है कि नहीं उससे? फिर उसको उसी को खा जाए। लेकिन ऐसे हितहित का विचार करने में असमर्थ तो काय का होता है ये तीव्र मिथ्यात्व का। यही आगरा में लाल हो जाती और ईद छोड़ो यूं ही जाके देख लो सुबह सुबह। मैं तो एक बार भटक गया था मेरे मालूम है ना, स्थिति खराब है। और वो ही नहीं मतलब वो ही नहीं अपनिया के जो जैनी भाई है यही वही मुसलमानों के चद्दर चढ़ाया था। अभी गरबे में कितने लोग जा रहे हो? अब वो हिंसक है कि रूप क्या है? वो हिंसक रूप है कि नहीं? और गरबे में तो व्यभिचार की पोषण है राग रंग की, उसमें हित क्या है उसमें बताओ? कुशील तो है ही, और दूसरी वो जो देवी है उसकी मुद्रा ही कैसी है? फिर वो जो हिंसक रूप है और उसके आगे ना छेड़ दो मजा आना उसमें। तो विषय भोग में जोगों को उलझाया गया है उनके हित के मार्ग से दूर बता के, मतलब उनके हित के मार्ग से जीवों को विमुख किया गया है और उनकी बुद्धि भी ऐसी है कि उनको विचारों को सोचने का अवसर भी नहीं है। जो भी है तो ये सब उदय काय के उदय से ही तीव्र मिथ्यात्व के उदय से। मैं कहता हूँ जो आदमी बुद्धि रखता है हितहित का विचार करता है वो इतना बुरा नहीं है जितना कि जो धर्म करके भी अपने हितहित की बुद्धि नहीं रखता है। तो ये हो गया मिथ्यात्व दर्शन वो नहीं कर। दूसरा वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामों के कारण अपने स्वरस विपाक को रोक देता है और उदासीन रूप से अवस्थित रहकर आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकता है तब वो सम्यक है। क्या बढ़िया लाइन लिखी। वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामों के कारण अपने स्वरस को माने अपने फल को रोक देता है और उदासीन रूप से अवस्थित रहकर, मतलब वो मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता उदासीन हो जाता है, उदासीन रूप से अवस्थित रहकर आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकता है। वो कोई चेतन नहीं है, वो तो कर्म तो कर्म है लेकिन वो जीव के परिणामों की तरफ से उसका वर्णन किया कि जब वही कर्म अपना फल नहीं देकर उदासीन रहकर और आत्मा के श्रद्धान को रोकता नहीं है तो जीव का क्या हो जाता है? सम्यक्त हो जाता है। तब वो सम्यक्त है और इसका वेदन करने वाला पुरुष क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्या उस सम्यक प्रकृति का वेदन करता है तो सम्यक दृष्टि। लेकिन सम्यक के वेदन के साथ में क्या हो रहा है? दोष उत्पन्न हो रहा है। और वही मिथ्यात्व प्रक्षालन विशेष के कारण क्षीण अक्षीण मद शक्ति के कोदों के समान अर्धशुद्ध स्वरस वाला होने पर तदुभय कहा जाता है। मद मद कोदे होते ना, कोदे क्या होते मालूम है? एक तरह की चीज होती है जिससे नशा उत्पन्न होता है, लेकिन उसको धो दो ना पानी से तो उसमें नशा उत्पन्न करने की शक्ति आधी रह जाती है। प्रक्षालन कर दो उसको खूब पानी वानी से तो उसकी शक्ति जो है वो आधी रह गई। तो ऐसे ही जब मिथ्यात्व को प्रक्षालन कर दिया, प्रक्षालन विशेष के कारण क्षीण हो गई और अक्षीण रह गई, मैंने कुछ क्षीण हो गई और कुछ क्षीण नहीं हुई, अक्षीण रह गई। तो क्षीणा क्षीण मद शक्ति वाले किसके समान? कोदो के समान अर्ध शुद्ध स्वरस वाला होकर होने पर क्या कहा जाता है? वही तदुभय कहा जाता है। कब? यही मिथ्यात्व, मैंने यही मिथ्यात्व जब यही मिथ्यात्व का जब प्रक्षालन होता है और ये आदि शक्ति का ही काम करता है तो ये तदुभय कहा जाता है। जब यही मिथ्यात्व अपना पूरा काम रोक देता है तो ये सम्यक प्रकृति कहलाता है। वही मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए ना।
इसी का दूसरा नाम सम्यक मिथ्यात्व। इसके उदय से अर्ध शुद्ध मध्य शक्ति वाले कोदो और ओदन के उपयोग से प्राप्त हुए मिश्र परिणाम के समान उभयात्मक परिणाम होता है। ओदन कहते हैं चावल को शायद, तो कोदा मध मैंने आधा चावल, मध चावल और कोदे दोनों मिला लिए, मैंने आधी आधा मध है, आधा ठीक ठाक है, कुछ मिथ्यात्व है और कुछ सम्यक परिणाम है। तो वो कौन सा है? उभयात्मक मतलब सम्यक मिथ्यात्व। ये हो गया दर्शन मोनी के भेद हो गए। ये बहुत क्रीम है, ये जो अपन ने अभी पढ़ाना है, ये 25 साल के अंदर लोग नहीं समझ पाते मतलब ये चीज़ जो अपन ने पढ़ी, क्योंकि ये पूरा कर्णानियों का बेस है ये। क्योंकि देखो कर्म आठ है, आठ में मोहन कौन है? मोनी कर्म। मोनी में भी मेन कौन है? दर्शन मोनी। ये दर्शन मोनी के तीन भेद ये समझ लिए ना आपने, आपको बहुत हेल्प रहेगी। ये तीन भेद कौन कौन से? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक। मिथ्यात् का उदय होता है पहले गुणस्थान में, सम्यक मिथ्यात् का होता है तीसरे में। उसका नाम ही गुणस्थान का नाम सम्यक मिथ्यात्व, उसके उदय से इसका नाम है। और सम्यक प्रकृति का उदय होता है चौथे से सातवें तक, जहाँ चलमल अगाड़ दोष चौथे से सातवें तक ही लगते हैं, उसके बाद कोई दोष नहीं लगता, उसके बाद सम्यक निर्मल ही होता है का उदय हो सकता है। चौथे से सातवें तक सम्यक प्रकृति का उदय, पहले में मिथ्यात्व का उदय, तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व का उदय। तो होता रहे ना, सम्यक में आ जाए फिर मिथ्यात्व में आ जाए, सम्यक में आ जाए मिथ्यात्व में आ जाए। उसके लिए ऐसा नहीं कि सम्यक से मिथ्यात्व में आने के पहले बीच में सम्यक मिथ्यात्व में रहना पड़ेगा फिर सम्यक में आएंगे, ऐसा नहीं, सीधे मिथ्यात्व में आ सकते। ठीक है, दर्शन मोनी में कुछ प्रश्न हो तो पूछ लो। एक काल में एक का ही उदय रहेगा, ये ध्यान रखना। उदय एक का ही रहेगा, बंद एक का और सत्ता तीनों की रहती है, अनादि मिथ्या सृष्टि की एक की रहेगी। जिसने एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया उसके तीन के साथ, लेकिन किसी के भी तीन हो सकती है, तो तीन की अपेक्षा तीन हो गए ना भेद। कोई भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बंद और उदय दो का हो जाए, लेकिन ऐसे अनेकों जीव है जिनके सत्ता तीन की है, तो इसलिए तीन भेद कहे जाएंगे। अनंतानुबंधी का उदय, तीनों में से किसी का उदय नहीं। और कुछ चारित्र मोनी दो प्रकार का है, कौन कौन सा? कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। पहला कौन सा है? अकषाय वेदनी। यहाँ ईषद अर्थात किंचित अर्थ में नहीं का प्रयोग होने से किंचित कषाय को अकषाय कहा है। या अ का मतलब अभाव नहीं है, अ का मतलब है किंचित, तो अकषाय माने किंचित कषाय, जो जैसी कषाय जैसी बलवान नहीं है उसको कहते हैं किंचित कषाय। क्या क्या कहा मैंने? उसका नाम क्या है? अकषाय। नौ कषाय, नौ उनकी संख्या है। वो सम्यक प्रकृति का काम है, बिल्कुल अलग अलग, ये डिपार्टमेंट ही अलग अलग। और कुछ? अब देखो ये नौ है ना नाम, इनके इनके नाम देखो क्या, एक तो अकषाय है और दूसरा एक और नाम क्या है? नौ कषाय है। वहां भी नौ का अर्थ किंचित है और संख्या में भी ये नौ है, एक नौ और एक नौ, तो नौ संख्या वाची है और नौ किंचित अर्थ का वाची है। तो ये अकषाय कहो नौ कषाय कहो एक ही बात है, किंचित कषाय। अकषाय और नौ कषाय का अर्थ क्या है? किंचित कषाय। और इनकी संख्या भी कितनी है? नौ, नाइन। अब इनके अर्थ बताते हैं। हास्य आदि के भेद से अकषाय वेदनी के नौ भेद है।
सबसे पहला कौन सा है इसमें? हास। देखो उसकी परिभाषा क्या है, जिसके उदय से हंसी आती है वो हास्य है। अच्छी है कि बुरी चीज़ है? हंसना कषाय है वैसे, अपन अच्छा मानते हैं, मंद कषाय है इनके लिए, इन कषाय है ये तो कषाय। भगवान भी लोगों को हंसमुख चाहिए थे, हंसते हुए, हंसते हुए नहीं, आनंद वाली होनी चाहिए प्रतिमा, आनंद रूप, वीतरागता रूप, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, हंसमुख नहीं, हंसे हंसी तो कषाय का प्रतीक है। दुख है यूं ही, इतना दुख है संसार में, हंसे किस बात पे? क्या कोड़े पड़ रहे इधर ना उधर ना उधर, कितने दुख है संसार, कभी हाथ दुख रहे हैं, कभी पाँव दुख रहे हैं, कभी इस डॉक्टर क्या, कभी उस डॉक्टर क्या, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, सुख क्या है? दुख है, हम दुखों को ही दूर करने में लगे रहते हैं रात भर, दुख नहीं हो और फिर भी हंस रहे हैं। ऐसा है जैसे कोई किसी को रोग हो जाए भयंकर, क्या, और वहाँ से हाँ, तो डॉक्टर कहते हैं जल्दी मरने वाला है, मरने का चिन्ह ही, यदि संधिपात का रोगी हंसने लगता है तो समझदार लोग समझ जाते हैं कि बस टाइम आ गया इनका। संधिपात एक रोग होता है और उसके चिन्ह होते हैं, मतलब तो जैसे बहुत दिनों से बीमार पड़ा हो आदमी और आज अच्छा हो गया, एकदम उठ बैठने लग गया, तो वो जो जानकार लोग होते हैं कहते हैं बस अब आज इनके चिन्ह आ गए, ऐसा होता है। मरने के एकदम पहले थोड़े चिन्ह होते हैं इस तरह के, है जी, विप का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन मतलब थोड़ी सी उसमें शक्ति आ जाती है एकदम, मैंने वो उस दिन उठपटांग कुछ भी, ऐसा लगता है लोगों को बिल्कुल ठीक होने आ गई और बस वो खाट खटा। तो ऐसे ही ये जीव ही रो रहा है तो मर रहा आनंद खास, उसमें हंसना तो वो हंसना ऐसे ही है जैसे कोई वैसे ही रोग से दुखी है लेकिन कुछ भी अपने मन में कल्पना करके थोड़ी देर के लिए हंस लेता है, क्या करे बेचारा। तो ऐसे ही जीव दुखी है अनंत लेकिन कुछ भी कल्पना आदि करके अपने आप को हंसा लेता है। जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता होती है वो रहती है, उत्सुकता होती है ना, जैसे बैठे हो, मैंने आपको बताया था एक बार पहले, एक बार हमारे वहाँ पे गांधीनगर मंदिर में एक वेद राज्य इंटरव्यू के लिए आए, औषधालय चलता था तो उसके लिए हमको वेद चाहिए था, तो इंटरव्यू के लिए आए बहुत सारे लोग, तो एक आदमी हमको लगा कि बराबर अच्छा दे रहा इंटरव्यू, बुजुर्ग से थे, तो मैंने कहा चलो अपनी चिंता ख़त्म, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना उन्होंने पूछा, बस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, तो पूछो भाई, मैंने क्या पता नहीं क्या पूछे, हो सकता सैलरी का पूछेगा, धीरे से बोलता है स्कोर क्या होना है किसका स्कोर, बोला मैच का क्या स्कोर हुआ, एक घंटे से आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैं तो स्कोर एक घंटे से पता ही नहीं मेरे को, अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यार ये इंटरव्यू देने आएगी स्कोर पूछने आएगी क्या, मैंने कहा ये अभी एक घंटे के लिए क्रिकेट नहीं छूट रहा है इससे, बाद में क्या करेगा उससे, मैंने पूछा, मैंने कहा देख भैया जब वो तो 3-4 घंटे देखेगा तो फिर मैच का क्या होगा, बोले कुछ नहीं टी वी लगवा लेंगे, तो मैंने कहा तू इधर हाथ देखता रहेगा उधर बेचारे मरीज घबरा जाएंगे है? लेकिन क्या करे, उत्सुकता है बुढ़ापे में, क्या हो रहा है मैच क्या स्कोर क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, मैंने दुनिया भर की चीजों को जानने की उत्सुकता, रति स्ट्राइक कर दी, बोले किसने पाकिस्तान को कितने कितने निपटा दिए, क्या हुआ जाने ही चाहिए, तेरे क्या लेना देना है उससे, रति होती ना मतलब जो अपने मतलब की चीज नहीं है, देश विदेश की खबरों को जानने की उत्सुकता, चेकोस्लाविया ने युगांडा पे क्या किया, चेकोस्लाविया से लेना देना ना युगांडा से, क्या क्यों है क्या कुछ मतलब चेकोस्लाविया से रति राग होता है ना इधर उधर के जानने की इच्छा, देश आदि में जानने में उत्सुक, देश आदि में उत्सुकता, देश को जाने में उत्सुकता होती इधर उधर घूमने फिरने की, बहुत मजा आता है उसमें, तो वो रति है, वो रति नाम की कषाय है, और इसके इस, और क्या इससे अरति इससे क्या है विपरीत है, कोई इच्छा नहीं होती किसी चीज़, न यहाँ न वहाँ न कहीं नहीं, कोई भी चीज़
कोई बताया था यार, मेरे को नहीं मतलब नहीं। सबसे आरति आरति होती ना, कोई चीज़ में रत्ती नहीं होती। आदमी कहीं कहीं मूड उखड़ जाता, अरे तेरे मालूम पाकिस्तान आउट हो गया होगा आउट। आरती बुरी कषाय रूप है, क्षण भर की है वो। अभी कोई चीज़ के कारण आदमी क्या होता है, परेशान रहता है। जैसे समझ लो आज उसको बिजनेस में नुकसान हो गया, तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान में भेजने मजा नहीं आता है, भाव हिंदू सबका क्या। वो तभी अच्छा लगता है जब सब कुछ अनुकूल चलता है, समझ में आया ना। अपने घर में आग लगी उस समय भारत पाकिस्तान में भेज देख रहे हैं क्या, पेट में दर्द हो, बीमार हो, रोगी हो, क्या ये सब चीज़ें क्या है। जब पुण्य का उदय आता है ना तभी अच्छी लगती है। रत्ती का उदय जो है वो पुण्य के उदय वालों को होता है, अन्यथा अरित्री लगती है। इससे विपरीत अरती है, और जिसके उदय से शोक होता है वो शोक है, शोक हो जाता है जिसके उदय। कोई भी बात का शोक, क्या इसने मेरे को ऐसा कह दिया इसका भी शोक, मेरे को मर गया इसका शोक, मैं मर जाऊंगा इसका शोक, मैं मर जाऊंगा अब इसे ही शोक करें। शोक काय का भी हो सकता है ना, धन के वियोग का शोक, पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए उसका शोक, जो बनना चाहता था वो नहीं बनना है उसी उसका शोक, मान सम्मान नहीं मिले उसका शोक, अपने अनुकूलता अपने अनुकूल नहीं चला कोई आदमी उसका शोक, सब कुछ प्रतिकूल रहे उसका शोक। क्यों घर वाले अपने बिल्कुल अपन जो कहें उसका उल्टा, बल्कि सब कुछ क्या, तो अंदर आदमी को शोक हो जाता है कि यार कहाँ ले रहा हूँ, दुनिया क्या है, हो जाता है शोक। शोक मतलब दुख रूप परिणाम निरंतर सताता रहता। और जिसके उदय से उद्वेग होता है भय, उद्वेग मैंने डर होता है, भय लगता है, वो तो भय कषाय है। भय भयभीत होता है ना आदमी, सब प्रकार के भय, इस लोक में मेरा क्या होएगा, क्या होएगा, क्या मैं बड़ा हो जाऊँगा फिर क्या होएगा, मेरी आजीविका क्या होगा, मैं मर नहीं जाऊँ उसका मरने का भय, मैं मर नहीं जाऊँ मेरा कोई पैसा नहीं चुरा ले, मेरी कोई गुप्त बात प्रकट नहीं हो जाए, पर लोग में कहाँ जाऊँगा, नरक तो नहीं चले जाऊँगा, ऐसे बहुत सारे भय। अकस्मात पे अचानक कुछ नहीं हो जाए, कोई शरीर में वेदना नहीं आ जाए, ये सब भय के लिए सात प्रकार के भय कषाय के निमित्त से। और क्या देखो, जिसके उदय से आत्मदोषों का संवरण और परदोषों का आविष्करण होता है, जुगुप्सा है, मैंने जुगुप्सा ने दूसरे से ग्लानी होती बेकारी, उसके साथ दोष प्रकट, उसके दोषों को प्रकट करता है, वो खुद के दोषों को ढकता है और दूसरे के दोषों को प्रकट करता है, जुगुप्सा कहा उसको। और जिसके उदय से स्त्री संबंधी भाव को प्राप्त होता है वो स्त्री वेद है, स्त्री शरीर को नहीं, काय को, स्त्री संबंधी भाव को। यह भाव वेद किस वेद का उदय काय में आता, भाव में कि शरीर में, ये किसकी बात चल रही, मोनी की ना, तो मोनी का फल काय में आता, जीव के भाव में कि शरीर में, भाव में। तो जिसके उदय से ऐसे भाव होते, स्त्री जैसे भाव माने डरपोक भीरु प्रकृति, छल कपट की प्रकृति, क्या दोषों को प्रकट करना, कषाय की तीव्रता, निरंतर रति रहना, ये सब स्त्री संबंधी दोष। पुरुष वेद के वीर, भय नहीं होना, अच्छी चीज़ों को प्रकट करने का स्वभाव होना, निंदा चुगली गाली नहीं करना, क्या दूसरों के गुणों को अच्छे से उनमें प्रीति होना, तो ये सब पुरुष वेद के उदय से ये गुण होते हैं। और नपुंसक वेद के उदय से तो महाभ्रष्ट, तीव्र कषाई रागी महारागी, और मतलब उसके कषाय कभी शांति नहीं होती, राग रूप, और मैंने महा जिसको कहें कषाय रूप परिणाम, तीव्र सब प्रकार के कषाय रूप परिणाम और राग रूप परिणाम बहुत है, स्त्री पुरुष दोनों में रहती है उसको, दोनों से राग होता है उसको, ऐसे नपुंसक वेद के परिणाम। ईंट के भट्टे की अग्नि है कभी बुझती नहीं, इतना राग होता है। और स्त्री वेद के परिणाम को क्या कहा है, कंडे की अग्नि के समान जलती रहती, अंदर ऊपर नहीं दिखती। पुरुष वेद की अग्नि तिनके की अग्नि के समान जलती और फटाक से बुझ जाती। तो ऐसे परिणाम है, तो ये तीन प्रकार के जो परिणाम है उनके उदय से तीन प्रकार के वेद कहे जाते हैं। शरीर से संबंधी शरीर पुरुष का और भाव स्त्री के हो, शरीर स्त्री का और भाव पुरुष के भी हो सकते। तो जिसके उदय से स्त्री संबंधी भाव को प्राप्त होता है स्त्री वेद है, जिसके उदय से पुरुष संबंधी भाव को प्राप्त होता है वो पुरुष वेद है, और जिसके उदय से नपुंसक वेद संबंधी भाव को प्राप्त होता है वो नपुंसक वेद। ऐसे तीन वेद हो गए।
ये नौ कषाय हो गए, वो वही है, दूसरों के दोष देख के ग्लानी होती है, ठीक है, नौ कषाय हो गई, इसमें से दो अच्छी, मतलब ये हाथ से रति अच्छी मानी गई है और आरती शोक और बुरी है, और पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद तीनों में पुरुष वेद बढ़िया माना गया, फिर उसके बाद सेकंड स्त्री वेद और तीसरा नपुंसक, ये हो गई नौ कषाय हो गई। अब क्या बची, कषाय बची है, कषाय वेदनी, अनंतानुबंधी आदि के विकल्प से कषाय वेदनी के 16 भेद है, यथा क्रोध मान माया और लोभ ये कषाय, ये चार तो कषाय हो गई, क्रोध माने गुस्सा, मान माने घमंड, माया छल कपट, लोभ लालच, इनकी चार अवस्थाएं अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, जो अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन अनंत कहलाता है, मिथ्या दर्शन क्या है, अनंत संसार का कारण है, इसलिए उसका नाम क्या है, अनंत, तथा जो कषाय उसके साथ उसके अर्थात अनंत के अनुबंधी है, वे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ है, जो अनंत माने मिथ्यात्व के साथ अनुबंधी है, माने जिसका बंध मिथ्यात्व के साथ होता है वो अनंतानुबंधी कषाय है, अनंत का अर्थ यहाँ दिया है संसार, जो अनंत का अर्थ है माने अनंत संसार, और अनंत संसार किसको कहा है, मिथ्यात्व को, तो जो मिथ्यात्व के साथ बंधती है उसका नाम क्या है, अनंतानुबंधी, अनंत संसार मिथ्यात्व को कहा है, क्योंकि मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है, और उस मिथ्यात्व के साथ बनने वाली जो कषाय है उसका नाम क्या है, अनंतानुबंधी, क्योंकि वह अनंत अर्थात मिथ्यात्व के साथ बनती है, इसलिए उसका नाम अनंतानुबंधी। जिसके उदय से, जिसका दूसरा नाम संयमा संयम है, ऐसी देशवृत्ति को यह जीव स्वल्प भी करने में समर्थ नहीं होता, वे देश प्रत्याख्यान को आवृत करने वाले प्रत्याख्यान क्रोध मान माया और लोभ है। क्या कह रहे हैं, जिसके उदय से माने संयमा संयम, जिसका दूसरा नाम देशविरत है, ये जीव अल्प भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता, माने जो देश संयम का घात करे, जिसके उदय से जीव देश संयम को अल्प मात्र भी प्राप्त नहीं कर सकता, संयमा संयम को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कषाय कौन सी है, थोड़ी सी देर 10-15 मिनट बंद कर रहे हैं, बहुत बात कर लो, क्या कहा, अप्रत्याख्यान उनका पूरा अर्थ मालूम है, कोई बता सकता है क्या है, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, उसको त्याग नहीं कर सकते, कुछ भी त्याग नहीं ले सकते, तो अर्थ होता है ना एक शब्द का, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान माने त्याग, तो त्याग को जो आवृत करे तो प्रत्याख्यानावरण है, और अप्रत्याख्यान माने अत्याग, तो अत्याग को माने आवृत करे माने त्याग होने दे, तो जो त्याग होने दे वो प्रत्याख्यानावरण हुई ना, एक का नाम प्रत्याख्यानावरण और एक का नाम है प्रत्याख्यानावरण, ऐसा कैसे हो सकता है, यदि प्रत्याख्यानावरण है कषाय का नाम तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय थोड़ी नहीं होगी, अप्रत्याख्यानावरण तो अच्छी चीज़ होगी ना, और यदि प्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यानावरण बुरी चीज़ है तो प्रत्याख्यानावरण अच्छी चीज़ होगी, लेकिन दोनों कषाय के नाम दे रहे हैं, एक का नाम अप्रत्याख्यानावरण और एक का नाम अकार्थ, क्या है मालूम, अकार्थ किंचित, तो जो किंचित त्याग को आवृत करे वह प्रत्याख्यानावरण, और जो सकल त्याग को आवृत करे वो प्रत्याख्यानावरण, अकार्थ यहाँ क्या लेना है, किंचित, किंचित प्रत्याख्यान माने त्याग को आवरण माने आवृत करे वह प्रत्याख्यानावरण कषाय, माने जो किंचित त्याग भी नहीं होने दे, किसका त्याग नहीं होने दे, पांच पापों का, जो किंचित त्याग रूप परिणाम ना होने दे, माने किंचित भी त्याग करने की प्रतिज्ञा नहीं ले सके, भले ही नहीं करे पाप लेकिन पापों के त्याग करने की प्रतिज्ञा नहीं ले सकता, थोड़ा पाप भी छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने में असमर्थ है, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, और प्रत्याख्यान माने त्याग, सकल त्याग, जो सकल त्याग को आवृत करे प्रत्याख्यानावरण कषाय, अभी तो अप्रत्याख्यानावरण समझ लिया, जिसके उदय से जीव संयमा संयम अथवा
देश विरत भाव को स्वल्प भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो क्या है? अप्रत्याख्यानावकाश है। और जिसके उदय से संयम नाम वाली परिपूर्ण वृत्ति को यह जीव करने में समर्थ नहीं होता, वे सकल प्रत्याख्यान को माने संपूर्ण प्रत्याख्यान माने त्याग को आवृत करने वाले प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ है। माने सकल प्रत्याख्यान माने संपूर्ण त्याग, तो जो संपूर्ण त्याग को आवृत करती है माने सारा त्याग नहीं होने देती, कुछ तो त्याग होने देती है, माने सारे त्याग को आवृत करती है। सकल त्याग को आवृत करने वाली कषाय कौन सी है? प्रत्याख्यानावरण। और किंचित त्याग को आवृत करने वाली दोनों ही बुरी है, चाहे वो किंचित त्याग को आवृत करे चाहे सकल त्याग को। जब सकल त्याग का आवृत हो रहा है तो सारा त्याग नहीं है, जब किंचित त्याग का आवरण है तो कुंचित भी त्याग नहीं। छठे साथ पहले में अनंतानुबंधी गई, चौथे में अप्रत्याख्यानावरण गई, मतलब अप्रत्याख्यानावरण का काम क्या था? किंचित त्याग को आवृत कर रही थी तो वो गई, अब किंचित त्याग हो सकता है, लेकिन फिर भी सकल त्याग को आवृत करने वाली कषाय भी है, फिर वो भी चली गई तो संपूर्ण त्याग हो गया। और जब इसमें क्या कन्फ्यूजन है, मुझे कन्फ्यूजन है कुछ, ये तो मैंने कहा था अकार्थ में अभाव नहीं है, अकार्थ किंचित है, तो जो किंचित त्याग को आवृत करे वो प्रत्याख्यानावरण है, जो सकल त्याग को आवृत करे सारा त्याग नहीं होने दे वो प्रत्याख्यानावरण है। क्या बता क्या कह रहे समझ में नहीं आया क्या, कोई इसमें डाउट आ रहा है क्या कुछ? चलो आगे चलते हैं, सोचना पहले क्या पूछना है, हो सकता है कुछ दिमाग में चल रहा है कुछ। जिसके उदय से एक मिनट सॉरी सम एक ही भाव में रहता है, सम एक ही भाव अर्थ में रहता है, संयम के साथ अवस्थान होने में एक होकर जो अवस्थित होते हैं अर्थात चमकते हैं, माने संयम के साथ है, संयम के साथ में अवस्थान होने पर अवस्थान होने में एक होकर, माने संयम के साथ तो है और संयम के साथ में एक है, तो भी जो ज्वलित होते हैं थोड़े बहुत चमकते रहते हैं, या जिनके सद्भाव में संयम चमकता रहता है वे कौन है? संजुलन क्रोधमान माया लोग। माने जिनके उदय में संयम ज्वलन माने जलता है चमकता है, लेकिन चमकता तो है लेकिन वो यथाख्यात चैतन्य नहीं होता, लेकिन संयम का घात भी नहीं होने देता। माने जिसके उदय काल में केवल उसी का उदय है, यदि केवल उसी का, तो उसका मतलब ये कि संयम तो है लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं। वो कौन सी कषाय है? संज्वलन। ज्वलन माने जलती रहे चमकती रहे, किसके साथ में? संयम के साथ संज्वलन। ये सब मिलकर 16 कषाय होती है, ये सब मिलकर कितनी कषाय होती है? 16 होती है, हो गए 28। ये यदि आपने याद कर लिया ना तो आप समझ लो आपकी जिंदगी भर की पूंजी हो गई, आपको मोटा मोटा जो है मोनी का हिसाब ख्याल में आ गया, माने आपको समझ लो कर्म प्रकृति समझ में आ गई, क्योंकि सारा कर्म सिद्धांत मोनी के ऊपर आधारित है। कुछ पूछना? टाइम तो हो गया अपना, बस विशेषार्थ अपन बाद में पढ़ेंगे, आप बहुत बड़ा है विशेषार्थ, कल पढ़ेंगे।